सत्ता से बाहर हुए अशोक गहलोत अब सचिन पायलट को फिर से अपना निशाना बना रहे हैं। गहलोत पायलट को राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक आयोजित हुई, जहां एक ऑनलाइन प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में विधायक दल का नेता चुनने का फैसला हाईकमान पर छोड़ा गया, लेकिन पूरी बैठक में एक बात बहुत चर्चित रही। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहलोत के कहने पर जो टीम जयपुर भेजी है, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुकुल वासनिक थे, जो दोनों ही गहलोत के बहुत करीबी माने जाते हैं। बता दें, दोनों ने कांग्रेस के एक एक विधायक से करीब 20 मिनट तक बातचीत की है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि बैठक में जब विधायक दल का नेता चुनने का फैसला पहले ही हाईकमान को सौंप दिया गया है, तो फिर गहलोत के दोनों करीबी नेता ने हर विधायक से लगभग 20 मिनट तक क्यों बातचीत की। बता दें, गहलोत पायलट को सीएलपी का नेता बनने से भी रोकना चाहते हैं। पायलट अगर सीएलपी का नेता बनना चाहते हैं तो वो बन जाएंगे, लेकिन गहलोत पायलट के हर इरादे को विफल करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गहलोत वो व्यक्ति है जो राजस्थान में सत्ता के हर परिणाम को कंट्रोल करना चाहते हैं। 2018 से शुरू हुई पायलट और गहलोत के बीच राजनीतिक खींचतान आज भी जारी है। चाहे वो 2020 में पायलट का रूट कर मानेसर चले जाना हो, या चुनाव से कुछ ही महीने पहले अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाना। उस समय मुख्यमंत्री बनने की बेताबी सचिन पायलट की गतिविधियों में साफ दिख रही थी। हर बार आलाकमान बात घुमा फिराकर उन्हें अगले चुनाव का इंतजार करने के लिए कहती थी, लेकिन अभी जैसे ही चुनाव हुए उनकी पार्टी हार गई और इंतजार फिर से 5 साल के लिए बढ़ गया, क्योंकि अगले 5 साल तक उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि सचिन पायलट का भविष्य आगे किस ओर बढ़ता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।